नमस्कार, मैं प्रिया। आज 18 अक्टूबर खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राज्य में इस 3 दिन चलेगा डोर टू डोर वैक्सीनेशन ड्राइव। बिहार में इस दिन से शुरू हो रही है धान की खरीद। बिहार का बाढ़ और बिजली संकट से बचाने का प्लान तैयार। बीएड स्पेशल वाले बन सकेंगे पहली से पांचवी के शिक्षक। बिहार में मछली पालकों को मिलेगा बाजार। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। राज्य में इस 3 दिन चलेगा डोर टू डोर वैक्सीनेशन ड्राइव। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या में भले ही गिरावट देखने को मिल रही हो, लेकिन बिहार सरकार की यही कोशिश है कि संभावित तीसरी लहर से पहले जल्द से जल्द वैक्सीनेशन का काम पूरा कर लिया जाए। ऐसे में बिहार सरकार की तरफ से जो आंकड़े निकल करके सामने आए हैं, उसके हिसाब से जहां एक तरफ पहले डोज लेने वालों की संख्या तो संतोषजनक है, लेकिन दूसरा डोज लेने वालों की संख्या निराशाजनक है। यही कारण है कि बिहार में जल्द ही डोर टू डोर वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत 18, 19 और 20 अक्टूबर को कोरोना वैक्सीन के दूसरे डोज को लेकर डोर टू डोर अभियान चलाया जाना है। इस दौरान लोगों को कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लेने के लिए प्रेरित भी किया जाएगा, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने दी है। बिहार में इस दिन से शुरू हो रही है धान की खरीदी। धान के किसानों के लिए अहम सूचना। बिहार में जल्द ही धान की खरीदारी शुरू होने वाली है, जिसके तहत अगले महीने से किसान अपना धान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच सकेंगे। इसके बाद किसान 3 चरणों में अपने धान को भी बेच सकेंगे। कोसी और पूर्णिया प्रमंडल के सभी जिलों में धान की खरीद 1 नवम्बर से शुरू हो जाएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार सरकार ने राज्य के किसानों से 1 नवम्बर से खरीदी शुरू करने का फैसला लिया है, जिसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। किसान धान अधिप्राप्ति के समय अपनी पसंद के किसी भी पैक्स या व्यापार मंडल पर धान बेच सकते हैं। सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1940 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि ग्रेड ए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1960 रुपए प्रति क्विंटल है। डीआरडीओ में नौकरी पाने का सुनहरा मौका। अगर आप भी नौकरी की तलाश में बैठे हैं तो डीआरडीओ में नौकरी पाने का आपके पास सुनहरा मौका है। भारतीय रक्षा एवं अनुसंधान संस्थान के डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक्स रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट चंडीगढ़ में अप्रेंटिस पदों पर बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार डीआरडीओ की आधिकारिक वेबसाइट www.drdo.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रहे, अप्रेंटिस पद के लिए उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन करने के बाद सबमिट किए हुए फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर डायरेक्ट डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक्स रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट हिम परिसर प्लांट प्लॉट नंबर 1 सेक्टर 37 से चंडीगढ़ 160036 के पते पर भेजना होगा। बिहार का बाढ़ और बिजली संकट से बचाने का प्लान तैयार। बिहार में हर साल बाढ़ की समस्या देखने को मिलती है, वहीं बिजली को लेकर भी कई शिकायतें सामने आ रही है, लेकिन इन सबके बीच बिहार में बाढ़ और बिजली संकट से बचाने का प्लान तैयार हो रहा है। इसको लेकर अरुण कोसी पर 2 हाइडल परियोजना लगाने की तैयारी हो रही है। इसको लेकर कोसी के नेपाल वाले हिस्से में 1450 मेगावाट पनबिजली उत्पादन की संभावना तलाशी गई है। पनबिजली यूनिट SJVN लगाई जाएगी। विशेषज्ञों की माने तो अरुण कोसी पर 2 पनबिजली घर लग सकते हैं, एक यूनिट 1000 मेगावाट तो दूसरी 450 मेगावाट की लग सकती है। बिहार पंचायत चुनाव में ऑनलाइन मतगणना की एंट्री नहीं करने वालों पर दर्ज होगी प्राथमिकता। बिहार पंचायत चुनाव की प्रक्रिया इन दिनों बिहार में जोर शोर से करवाई जा रही है। इसी बीच पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने एक और बड़ी जानकारी साझा की है, जिसके तहत चुनाव के दौरान ऑनलाइन मतगणना की एंट्री नहीं करने वालों पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। इसको लेकर आयोग ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इतना ही नहीं, राज्य निर्वाचन आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पंचायत सह जिलाधिकारी को मतगणना परिणाम की ऑनलाइन एंट्री नहीं करने वाले पदाधिकारी और कर्मियों पर बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के तहत तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने और उन्हें गिरफ्तार करते हुए आयोग को सूचित करने का निर्देश दिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि वर्तमान समय में मतदान के बाद वोटों की गिनती के समय मतगणना परिणाम को उम्मीदवारों के क्रम में ऑनलाइन एंट्री किए जाने का प्रावधान है। जंक्शन पर आखिरकार शुरू हुआ रिटायरिंग रूम। 26 महीने के बाद पटना जंक्शन पर रिटायरिंग रूम को एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत ऐसे में यात्रियों को यहां पर अत्याधुनिक सुविधाएं मिलने वाली है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि रिटायरिंग रूम में सुसज्जित सुपर डिलक्स कमरे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके लिए यात्रियों को 24 घंटे के लिए मात्र 1600 रुपए देने होंगे। अन्य होटल की तरह 18% GST अलग से देना होगा। दशहरा के दिन से इसकी ऑफलाइन बुकिंग शुरू कर दी गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, रिटायरिंग रूम की बुकिंग फिलहाल बुकिंग काउंटर से पटना जंक्शन के करबेघिया छोर पर 4 रिटायरिंग रूम की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है।
पनोरमा खेल प्रतियोगिता में बॉलीवुड कलाकार समेत कई दिग्गज करेंगे शिरकत। पूर्णिया सदर विधायक विजय खेमका और पनोरमा ग्रुप के निदेशक संजीव मिश्रा के द्वारा 20 अक्टूबर 2021 से पनोरमा स्टार खेल प्रतियोगिता का आयोजन पहली बार किया जा रहा है। पिछले 4 साल से यह प्रतियोगिता पूर्णिया और पूरे बिहार के प्रतिभावान बच्चों के लिए एक ऐसा मंच प्रदान करता है जो उन्हें उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने में भरपूर मदद करता है, जिसका आयोजन ई होम्स पनोरमा के विशाल अद्भुत आकर्षक और विशेष सुविधाओं से लैस प्रांगण में किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, इस कैंपस की विशेषता यह है कि यहां हेलीपैड तक बनाने की योजना है। पूर्णिया के लिए यह एक अनूठा कैंपस साबित होने वाला है। इसके साथ ही आयोजित होने वाले इस प्रतियोगिता में बॉलीवुड कलाकार समेत कई दिग्गज भी शिरकत करने वाले हैं। बिहार में मछली पालकों को मिलेगा बाजार। बिहार में मछली पालकों को बाजार जल्द ही मिलने वाला है। इसको लेकर पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी ने हाल ही में अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि मछली पालकों के लिए 2021-22 में 85 करोड़ की राशि का प्रावधान किया जा रहा है, जिससे मछली पालकों और मछुआरों को लाभ दिलाने के साथ ही उपभोक्ताओं को भी उचित कीमत पर मछली की उपलब्धता होगी। राज्य में मछली पालन बढ़ाने में भी इससे मदद मिलेगी। इतना ही नहीं, मुकेश सहनी ने यह भी कहा कि यह सपना है कि बिहार मछली पालन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि निर्यातक भी बने। हालांकि मुकेश सहनी के इन सभी दावों पर कैबिनेट में ही कई निर्णय लिए जाएंगे। कैबिनेट में मंजूरी मिलते ही पंचायत से लेकर प्रमंडल मुख्यालय तक मछली मार्केट बनाया जाएगा। चर्चित मॉडल मोना रॉय ने तोड़ा दम। सप्तमी की रात को अपने घर से बाहर ही पटना की चर्चित मॉडल मोना रॉय पर कुछ लोगों ने हमला किया था और गोलियां चलाई थी, जिसके बाद मोना रॉय को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और वहां पर मोना रॉय ने अपनी आखिरी सांस बीते दिन दी है। हालांकि इस घटना के बाद से पटना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने जरूर शुरू हो गए हैं, क्योंकि मामले में अब तक पुलिस के हाथ खाली है। फिलहाल मोना रॉय के परिजनों का आक्रोश चरम पर है और वो तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, ये मामला राजीव नगर थाने क्षेत्र का है। बिहार के कई जिलों में बारिश के आसार। जहां एक तरफ बिहारवासी इस बात को लेकर संतुष्ट थे कि बिहार में मॉनसून की वापसी हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ मौसम वैज्ञानिकों ने बिहार के कई जिलों से बारिश को लेकर एक बार फिर से अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत पटना के मौसम विज्ञान केंद्र ने पटना के अलावा मुजफ्फरपुर, सिवान और सारण में बारिश का पूर्वानुमान जाहिर किया है। इसके अलावा पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, रोहतास, मधुबनी, गया और गोपालगंज जिले के कुछ हिस्सों में भी बारिश के आसार है। आज से राज्य में बारिश की तीव्रता बढ़ेगी। पटना मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार से बुधवार के बीच विभिन्न जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। शेरशाह सूरी मकबरे में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। बिहार के सासाराम इलाके में शेरशाह सूरी का मकबरा भारत के सबसे प्रभावशाली मकबरों में से एक माना जाता है। इसे दूसरे भारत के ताजमहल के रूप में भी जाना जाता है और यह दिवंगत सम्राट शेरशाह सूरी को समर्पित एक विशाल मकबरा है। मकबरे का निर्माण 1540 और 1545 के बीच पूरा हुआ था और पूरी संरचना को आज तक खूबसूरती से संरक्षित किया गया है। यह वास्तुकला को इंडो इस्लामिक शैली का एक सुंदर नमूना है, जो कि लाल पत्थर से बना है, जिसके आगे के भाग पर जटिल नक्काशी है। मकबरा 122 फीट ऊंचा है और इसमें सुंदर गुंबद, मेहराब, स्तंभ, मीनार, छतरियां और बहुत कुछ है। अदालतों के कामकाज में दिखा कोरोना का असर। राज्य की अदालतों के कामकाज पर कोविड 19 का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जिसके तहत पटना हाईकोर्ट प्रशासन ने पटना हाईकोर्ट में साल 2018, 19 और 20 में दायर हुए और निष्पादित हुए मुकदमों का केस क्लियरेंस रेट को अपने आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया है। जारी किए गए CCR में 2018 और 19 में मुकदमों की दायर संख्या और निष्पादित मामलों की संख्या सामान्य मानी गई है, लेकिन कोरोना के कारण साल 2020 में दायर मुकदमों की संख्या तो कम रही थी, साथ ही निष्पादित मामलों का प्रतिशत भी नीचे रहा। हालांकि एक बार फिर से मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है, जिसके बाद जल्द ही स्थिति सामान्य होने की उम्मीद जताई जा रही है। गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवरों की आंख का सही होना जरूरी। अक्सर ड्राइवरों की लापरवाही के कारण कई बार भारी हादसे हो जाते हैं। यही कारण है कि अब गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों के लिए खास नियमों को लागू किया गया है, जिसके तहत परिवहन विभाग ने नई पहल की है, जिससे कि अब व्यावसायिक वाहन चालकों की नियमित रूप से आंख की जांच होगी। हालांकि सरकार का यह निर्णय अचानक से नहीं आया है, बल्कि हाल ही में सड़क सुरक्षा सप्ताह में ट्रक ड्राइवरों की आंख जांच की गई थी। इसमें काफी संख्या में ड्राइवरों की आंख की रोशनी में गड़बड़ी पाई गई थी। इसको देखते हुए परिवहन विभाग ने जिला स्तर पर कैंप लगाकर ड्राइवरों की आंखों जांच कराने का निर्णय लिया है। इसको लेकर परिवहन विभाग जल्द ही आदेश जारी करेगा। हालांकि ध्यान रहे, जांच में जिन ड्राइवरों के आंख सही नहीं होंगे उनके गाड़ी चलाने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। ऐसे वाहन चालकों का नाम और ड्राइवर लाइसेंस की कॉपी DTO के पास भेजी जाएगी, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा।
बीएड स्पेशल वाले बन सकेंगे पहली से पांचवी के शिक्षक। अभी बीएड स्पेशल करने वाले अभ्यर्थी आसानी से पहली से पांचवी तक के शिक्षक बन सकेंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को बिहार के 80,000 स्कूलों में शिक्षक बनने का मौका मिल सकता है। एनसीटीई ने इसकी आधिकारिक सूचना जारी कर दी है। हालांकि इन सबके बीच एनसीटीई ने एक शर्त भी रखी है कि सरकारी स्कूल में नियुक्ति के 6 महीने के भीतर ऐसे शिक्षक को एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त 6 महीने का कोर्स भी पूरा करना होगा। इसका फायदा बिहार में शिक्षक बनना चाह रहे अभ्यर्थियों को भी होगा। इसको लेकर पटना यूनिवर्सिटी के सीनेट सदस्य डॉक्टर कुमार संजीव ने कहा है कि एनसीटीई के इस फैसले से अब राज्य के लगभग 80,000 सरकारी स्कूल में स्पेशल एजुकेटर्स को शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। बिहार में सब्जी उत्पादक किसानों के लिए शुरू हुआ डिजिटल अभियान। बिहार में सब्जी उत्पादक किसानों को अब डिजिटल प्लेटफॉर्म मिलने वाला है, क्योंकि ऐसे किसानों के लिए डिजिटल अभियान की शुरुआत कर दी गई है। इसको लेकर किसानों को वेज फेड की समितियों से जोड़ने का अभियान शुरू हो गया है। इतना ही नहीं, इस बाबत सहकारिता विभाग ने एप्लीकेशन तैयार कर लिया है। लगभग 20,000 नए किसानों को जोड़ लिया गया है। इसको लेकर किसानों को आवेदन ऑनलाइन करना है। आवेदन में खेती की पूरी जानकारी और खेत का रकबा भी देना है। स्वघोषणा देना होगा कि वो अपनी खेत के मालिक हैं या फिर बटाईदार हैं। आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने पर वेज फेड के अधिकारी आवेदन की जांच करेंगे। बिहार में एफिलिएटेड कॉलेज पर सरकार कसेगी शिकंजा। बिहार के सभी एफिलिएटेड कॉलेज पर सरकार अब और ज्यादा सख्ती दिखाने वाली है, जिसके तहत बिहार में ऑनलाइन ऑडिट रिपोर्ट नहीं देने वाले डिग्री कॉलेज के अनुदान पर रोक लगेगी। इसको लेकर 229 संबंध डिग्री कॉलेज के लिए अनुदान देने की शर्त तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। इतना ही नहीं, शिक्षा विभाग ने अनुदान की शर्त पूरी नहीं करने वाले कॉलेजों की एफिलिएशन भी रद्द करने की बात कही है, जिसके तहत सभी विश्वविद्यालयों के पास आज तक का समय है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने सभी डिग्री कॉलेजों को प्रदान करने के लिए रिजल्ट के आधार पर अनुदान देने की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने की हिदायत कुल सचिव को दी है। बिहार अंडर 19 महिला हॉकी टीम में खेलेगी सिवान की बेटी। बिहार अंडर 19 महिला हॉकी टीम का चयन हो गया है, जिसमें सिवान की नाजिया खातून का चयन हुआ है, जिसके तहत ही अब नाजिया राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगी। हालांकि नाजिया आगे ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करना चाहती हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, पूर्णिया में महिला खिलाड़ियों का 15 दिनों का कैंप लगा था, जिसमें प्रदेश की महिला खिलाड़ी शामिल हुई थी। इसमें सिवान जिले की भी 2 लड़कियां शामिल हुई थी। उनमें बेहतर प्रदर्शन के आधार पर नाजिया का चयन नेशनल महिला हॉकी खेल के लिए किया गया है। 7वें चरण के नामांकन की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू। बिहार पंचायत चुनाव के 7वें चरण के नामांकन की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू होने वाली है, जिसके तहत आज 18 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी। 19 अक्टूबर से 37 जिलों के 63 प्रखंडों में चुनाव के लिए प्रत्याशी अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे, जिसके तहत 37 जिलों के 63 प्रखंडों में नामांकन की प्रक्रिया 19 अक्टूबर से शुरू होगी, जो 25 अक्टूबर तक जारी रहेगी। उसके बाद 28 अक्टूबर तक नामांकन पर्चों की जांच की जाएगी। 30 अक्टूबर तक प्रत्याशी नाम वापसी कर सकते हैं। वहीं 7वें चरण का मतदान 15 नवंबर को होगा। मतगणना 17-18 नवंबर को होगी। तेजस्वी यादव ने जल्द ही राज्य में सरकार बदलने का किया दावा। महागठबंधन में शामिल कांग्रेस पार्टी को समझाने में असमर्थ रहे तेजस्वी यादव अब बिहार की सरकार गिरने की बात कह रहे हैं। आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर तेजस्वी यादव इन दिनों लगातार भविष्यवाणी करते नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि बीते दिन मीडिया से बातचीत के दौरान तारापुर पहुंचे तेजस्वी यादव ने कहा कि आगामी पंचायत चुनाव में राजद की ही जीत होगी और इस जीत के साथ ही राज्य में सरकार की दशा दिशा भी बदल जाएगी। आपको बता दें कि तेजस्वी इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने आगे अपना बयान जारी करते हुए कहा कि राज्य का विकास सिर्फ कागजों पर हुआ है। साथ ही उन्होंने राजद प्रत्याशी अरुण कुमार साह को वोट देकर विधानसभा भेजने की अपील भी की। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर जोर शोर से हो रही है तैयारी। बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह को लेकर जल्द ही राष्ट्रपति बिहार आने वाले हैं। इसको लेकर अभी से ही जोर शोर से तैयारी हो रही है। 20 अक्टूबर को राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए पटना एयरपोर्ट से निकलने वाली सभी सड़कों का रंग रोगन किया जा रहा है। साथ ही सड़क पर लगे लाइट की भी मरम्मत की जा रही है। इसको लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी और जिला प्रशासन के लोगों की बैठक भी हुई है, जिसमें पटना के सिटी एसपी ट्रैफिक, एसपी पटना के सिविल सर्जन सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। इतना ही नहीं, किस तरह एयरपोर्ट से वो निकलेंगे, किस तरह की व्यवस्था रहेगी और इस पर जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ लोगों ने चर्चा की है, जिसकी पूरी जानकारी पटना एयरपोर्ट के निदेशक बीएचएस नेगी ने दी है। ललन सिंह ने नीतीश राज में मुस्लिमों के सुरक्षित रहने की कही बात। बिहार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने नीतीश राज में मुस्लिमों की सुरक्षा को लेकर बीते दिन अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत बीते दिन मीडिया से बात करते हुए ललन सिंह ने साफ शब्दों में कह दिया कि बिहार में नीतीश कुमार के रहते हुए मुसलमानों को कोई आंख नहीं दिखा सकता है। बिहार में जब तक नीतीश कुमार है, तब तक मुसलमान सुरक्षित है। अल्पसंख्यक को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार ही है जो बिहार को बचा सकते हैं, बिहार के अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा कर सकते हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि बिहार में संख्यकों के लिए आजादी के बाद जितना काम हुआ है, उसमें सबसे ज्यादा योगदान नीतीश कुमार का है। विश्व कप में इंडिया लिखी जर्सी पहनकर खेलेगा पाकिस्तान।
टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत बीते दिन से हो गई है। वहीं भारत के लिए 24 तारीख बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि इसी दिन भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा और इस मुकाबले में दोनों टीम अपना बेहतरीन प्रदर्शन देने की कोशिश करेगी। हालांकि कुछ दिनों पहले पाकिस्तान की तरफ से जर्सी पर UAE का नाम लिखा गया था, लेकिन अब जाकर के पाकिस्तान भी भारत के सामने झुक ही गया, जिसके बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जर्सी पर भारत का नाम लिखवाया गया है। यानी कि भारत के नाम से ही जर्सी पहनकर पाकिस्तान खिलाड़ी खेलते नजर आएंगे। इसको लेकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अपनी नई जर्सी का वीडियो PCB के अकाउंट से ट्वीट किया है। पाकिस्तान की टीम इस जर्सी पर इंडिया लिखा हुआ देखा जा रहा है। बिहार के 20 मंत्रियों को मिलेगा अगले साल तोहफा। बिहार के 20 मंत्रियों को अगले साल यानी कि न्यू ईयर के बाद सरकार बड़ा तोहफा देने जा रही है, जिसके तहत राज्य के 20 मंत्रियों को सरकारी आवास के रूप में ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर G+1 का नया खूबसूरत बंगला मिलेगा, जिसमें 20 मंत्रियों के लिए परिसर में G+1 के 20 सरकारी बंगले के साथ G+2 का 20 NXC ब्लॉक, 20 सिक्योरिटी पोस्ट, G+1 का एक बैरिक, G+1 का एक क्लब हाउस, एक चेंज रूम, एक कैनवास ब्लॉक और एक स्विमिंग पूल बनेगा। इसके निर्माण का काम पटना के गर्दनीबाग इलाके में अंतिम चरण में और दिसंबर पूरा होने की संभावना है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बंगलों का निर्माण 29 मई 2020 से शुरू हुआ था, जिसका निर्माण 28 नवंबर 2021 को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब इसके अगले साल अप्रैल महीने तक पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। IIT पटना में इतनी सीटों पर होगा दाखिला। इस बार IIT पटना में ज्यादा छात्रों का दाखिला होने वाला है, क्योंकि IIT पटना ने सीटों की संख्या बढ़ा दी है, जिसके तहत IIT पटना में केमिकल इंजीनियरिंग में 67 सीट, सिविल इंजीनियरिंग में 83, कंप्यूटर साइंस में 83, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 83, मेटालॉजिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग में 44, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 83 सीटों पर दाखिला करवाया जाएगा। मेरी जानकारी के अनुसार 10% सीटें सुपर न्यूमेरिकल के तहत बढ़ाई गई है। इसके साथ ही NIT और IIST शिवपुर के 598 फीमेल पूल सुपर न्यूमरेरी सीट मिलाकर 23,997 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। इसके अलावा IIIT की कुल 6,146 और GFTI की 6,078 सीटों पर प्रवेश किया जाएगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। पहले बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर SA-315 का 1972 को बैंगलोर में परीक्षण आज ही के दिन हुआ। भारत और पाकिस्तान आणविक खतरा रोकने के लिए 1998 में आज ही के दिन सहमत हुआ। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने 2008 में रायबरेली की रेल कोच फैक्ट्री के लिए 189.25 करोड़ एकड़ भूमि रेल मंत्रालय को वापस आज ही के दिन की थी। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता ओम पुरी का जन्म 1950 में आज ही के दिन हुआ था। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी का जन्म 1925 में आज ही के दिन हुआ था। भारत के प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक रामकृष्ण खत्री का निधन 1996 में आज ही के दिन हुआ था। प्रसिद्ध तेलुगु साहित्यकार विश्वनाथ सत्यनारायण का निधन 1976 में आज ही के दिन हुआ था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है मनीष मोहरा, कुमार आशीष, पप्पू कुमार, अजय भारती, सिराज खान, अमरेंद्र कुशवाहा, पिंटू कुमार, गुलशन कुमार, रमेश प्रभाकर, ललित कुमार, प्रदीप कुमार, भरत प्रसाद, सिया सिंह, सुबोध कुमार, निधि गुप्ता। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार क्या आपके आसपास कोरोना प्रोटोकॉल का पालन मामलों में कमी आने के बावजूद किया जा रहा है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।